Hey friends, welcome back to my channel Power of Nutrition. I hope you all are doing great. थंबनेल देख के आप लोगों को तो बता ही चल गया होगा कि आज मैं कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो कि मैंने होल फूड बेस्ड मल्टी वाइटामिन प्रोडक्ट ऑलरेडी रिव्यू किया है जो कि है फ्रॉम हिमालयन ऑर्गेनिक्स। मैंने पर्सनली वो प्रोडक्ट यूज़ किया था, उसके बाद मैंने रिव्यू किया और शेयर किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बताया आप लोगों को कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होल फूड मल्टीविटामिन दैट वी कैन गेट इन द इंडियन मार्केट। उस वीडियो के बाद में एक्चुअली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए दोस्तों ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल कि दूसरे भी कोई ब्रांड्स है जो होल फूड बेस्ड सप्लीमेंट बनाते हैं जो अच्छा हो, अगर है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो इसलिए मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ यूनिवेट का होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन एंड ऑल्सो उसका एक बेसिक मल्टीविटामिन भी आता है। दोनों प्रोडक्ट में रिव्यू करूंगा, प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर माई पर्सनल व्यू कि आपको हिमालयन ऑर्गेनिक्स और यूनिवेट के होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन में से कौन सा प्रिफर करना चाहिए बेस्ड ऑन फ्यू पैरामीटर्स विच माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बोथ द प्रोडक्ट फ्रॉम हिमालयन ऑर्गेनिक्स एंड यूनिवेट होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन जो है दे आर रियली गुड फॉर different people in different situations, so the point is to make the right choices. And also friend, this is not a paid video, this is not a sponsored video. Main apna personal experience share kar raha hu the same way I did for with Himalayan Organics. Maine use kiya tha Himalayan Organics ka bhi whole food based multivitamin, aur fir maine review kiya tha, share kiya tha apna personal experience. The same way I have been using Univet whole food based multivitamin for last 1 month, aur uske baad main ye review kar raha hu. To agar aapko kuch questions hai, kuch suggestions hai, kuch feedback है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें इस वीडियो का, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं मिस कर देता हूं वीडियो में बताना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर ऐड करता हूं, तो डू चेक इट आउट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और वो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यूनिवेट के कस्टमर केयर को भी कॉल किया है टू गेट द आंसर फॉर माय क्वेश्चंस। सो जो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में इट इज बेस्ड ऑन यूनिवेट्स response to my questions. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों यूनिवेट के इस बॉटल में आपको आएंगे 60 कैप्सूल, जो सर्विंग साइज है वो अराउंड 2 कैप्सूल की है, बट आई वुड पर्सनली रेकमेंड दोस्तों कि आप सिर्फ एक ही कैप्सूल लो, लेकिन क्योंकि आपको एक कैप्सूल से अराउंड 50% ऑफ योर रिक्वायरमेंट जो विटामिंस की रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ द 50% आई वुड से कि आप फूड पे, प्योर फूड, एक्चुअल फूड पे डिपेंड रहो, आपको वेजिटेबल से, फ्रूट से इनफ विटामिंस मिल जाएंगे, तो पूरी तरह से मल्टीविटामिन पे डिपेंडेंट मत रहो। नाउ दोस्तों दिस इज मल्टीविटामिन, इसके अंदर सिर्फ विटामिन है, इसके अंदर मिनरल्स नहीं है। सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम योर मिनरल्स और टू गेट योर मिनरल्स फ्रॉम एक्चुअल फूड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर ये परचेस कर रहे हो तो आप इसके थ्रू आपको विटामिंस मिल जाएंगे, ऑल द एसेंशियल विटामिंस मिल जाएंगे। और मिनरल्स के लिए आप फूड, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, चिया सीड आप कैसे कंज्यूम कर सकते हो, द बेस्ट वे, द राइट वे टू कंज्यूम चिया सीड। चिया सीड इज अ सुपर हाउस ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स है उसके अंदर। आपको चिया सीड से कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे दोस्तों। मैंने एक्चुअली कंपनी के कस्टमर कैसे बात की थी, क्या सच में इसके अंदर ओनली विटामिंस है, मिनरल्स नहीं है, तो उन्होंने भी कंफर्म किया इट कंटेन्स ओनली विटामिंस, नो मिनरल्स। बट एक पॉइंट है जो मेरे कंपनी के कस्टमर केयर को पूछा है ऑन ईमेल एंड आई एक्सपेक्ट देम टू रिप्लाई बैक। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी भी पेंडिंग है, आई विल अपडेट आंसर्स टू ऑल दोस क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो जरूर चेक कीजिए। मैंने उनको पूछा कि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर, जो इन्होंने यूज किए हैं, जिसके अंदर एक्चुअली मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो क्या वो मिनरल्स इसके अंदर नहीं है, वो क्वेश्चंस है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या है वो ओपन क्वेश्चंस। दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एनी आर्टिफिशियल कलर्स, एनी एडिटिव्स, एनी फिलर्स, एनी प्रिजर्वेटिव्स, इट इज प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट, क्योंकि जो कैप्सूल है राइट, उसका जो आउटर शेल है वो जेलेटिन से नहीं बनाया गया है, जेलेटिन से बनाया जाता है जनरली विच इज एनिमल बेस्ड, जो सोर्स होता है जेलेटिन का इट्स एनिमल, इट्स नॉन वेज सोर्स। इसके अंदर जो सोर्स है वो है वेजिटेरियन। इसके जो कैप्सूल है उसका जो आउटर शेल है उसके लिए HPMC का इस्तेमाल किया गया है विच आर वेजिटेरियन सोर्स। देखो दोस्तों नेचुरल विटामिन जो इसके अंदर है डेफिनेटली दे आर हाई बायो अवेलेबल, अब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, ऑफकोर्स आपको ये कंजम्पशन के बाद में फील होगा आपका जो स्ट्रेस है, आपको जो
फटीगनेस है वो बहुत कम होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होगा, आपको आपकी बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपका हार्ट, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है, मेंटेन हेल्दी ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, एंड ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें विटामिंस और मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, फिर वो आप फूड के थ्रू लो या होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन के थ्रू। इसके बैक साइड पे एक्चुअली आपको दिखेगा कि ये लोग ने मेंशन किया है एक्चुअल फूड सोर्स ऑफ विटामिंस दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट। जैसे कि विटामिन सी जो है वो सोर्स किया हुआ है फ्रॉम ऑर्गेनिक ड्राइड एसेरोला जूस पाउडर। एसेरोला दोस्तों एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन सी, कोल्ड और फ्लू में ये दिया जाता है, प्लस इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम विटामिन सी इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काफी हेल्प करता है। फिर विटामिन के की बात करूं तो इट इज अवेलेबल इन K2 फॉर्म विच इज वेरी गुड, विच इज सोर्स फ्रॉम फर्मेंटेड चिक पीस। विटामिन K2 एक्चुअली हैज अ बेटर बायो अवेलेबिलिटी और हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है इस फॉर्म को, सो विच इज ऑल्सो अगेन वेरी गुड। विटामिन ई जो है वो सोर्स किया है फ्रॉम सोया ऑयल सीड, अगेन फूड। विटामिन डी जो है वो D3 फॉर्म में है, समथिंग दैट आई पर्सनली लुक इन एनी मल्टी विटामिन D3 फॉर्म में है, इट इज सोर्स फ्रॉम लेचिन। जो बी विटामिन इसके अंदर है उसका जो सोर्स है वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। जो न्यूट्रिशनल ईस्ट है दोस्तों वो यू नो दोज आर रिच इन बी विटामिंस। बहुत बार क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन भी की जाती है और जो बी विटामिन का जो कंटेंट है वो बढ़ा दिया जाता है, बट नेचुरली भी ईस्ट के अंदर यू नो एज इट इज ग्रोइंग बी विटामिंस यू नो तैयार होते हैं उसके अंदर, और इसका जो इसके अंदर जो सोर्स है वो है न्यूट्रिशनल ईस्ट। इसके अंदर जो विटामिन B12 है वो है साइनोकोबेलमिन फॉर्म में, विच इज एक्चुअली अ सिंथेटिक फॉर्म, इट्स नॉट अ नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म जो है वो मिथाइल कोबेलमिन फॉर्म है, पर इसके अंदर यूज किया है सिंथेटिक फॉर्म। सो एक क्वेश्चन है फॉर यूनिवर्स जो मैंने पूछा है कि अगर ये होल फूड फूड बेस्ड है, होल फूड बेस्ड है तो इसके अंदर यू नो व्हाई ये सिंथेटिक सोर्स यूज किया है, कुछ ना कुछ जरूर इसके अंदर होगा जिसके वजह से इट इज इन सिंथेटिक फॉर्म। कुछ प्रॉपर आंसर एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स से मुझे जैसे ही मुझे आता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो साइनोकोबेलमिन है दोस्तों इट इज कंसिडर एज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन B12 एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्म एज वेल, इसलिए शायद मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स में ये यूज किया जाता है। लेकिन साइनोकोबेलमिन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है इट एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इन टू यू नो द नेचुरल फॉर्म विच इज मिथाइल कोबेलमिन, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज अल्टीमेटली वो कन्वर्जन हो जाता है, इजीली हो जाता है और हमें अल्टीमेटली उसका नेचुरल फॉर्म ही यू नो मिलता है बॉडी में जाने के बाद में। इनफैक्ट ऐसी रिसर्च भी हुई है जिसमें साइनोकोबेलमिन का जो अब्जॉर्प्शन है वो बेटर है देन द नेचुरली ऑकरिंग मिथाइल कोबेलमिन। तो अगेन इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, आई विल अपडेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज सून एज आई गेट द आंसर। इसके अंदर ऑर्गेनिक अल्फाल्फा पाउडर भी है विच इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन के सी फोलेट एंड फ्यू मिनरल्स। तो अगेन द क्वेश्चन इज मिनरल्स का कुछ तो सोर्स है, तो मिनरल्स कैसे नहीं है इसके अंदर, अगेन आई विल अपडेट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो देयर वाज अ क्विक रिव्यू, नाउ डेफिनेटली दिस इज गुड। मैं अपना पर्सनल जो व्यू है एक्सपीरियंस है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगा, बट उसके पहले यूनिवेट का एक्चुअली और एक मल्टीविटामिन है जो कि है बेसिक मल्टीविटामिन। नाउ बिफोर मूविंग दैट टू दैट, जो वुमेन मल्टीविटामिन राइट होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन और मैन होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन जो है उसके अंदर कोई डिफरेंस मुझे मेन डिफरेंसेस कोई दिखा नहीं, तो आप अगर कंज्यूम करना चाहते हो तो ये वाला ले लो मैंस होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन, वुमेन्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो कोई अलग अलग परचेस करने की जरूरत नहीं, यू कैन सेव ऑन योर कॉस्ट। नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक मल्टीविटामिन, बेसिक मल्टीविटामिन जो है ऑफकोर्स इट्स नॉट होल फूड, इट इज सिंथेटिक, दैट मीन्स इट इज मेड इन लैब, इट इज नॉट होल फूड बेस्ड, सोर्स इज नॉट होल फूड, राइट। लेकिन जो एक अच्छी चीज इसके अंदर है वो है विटामिन D3 जो है वो सोर्स किया है लेचिन से, इवन दो इट इज सिंथेटिक मल्टीविटामिन, और कैल्शियम जो है वो सोर्स किया है अलगई से। अगेन इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो फिलर्स, नो फूड एडिटिव्स एट ऑल। नाउ इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की वो है फॉर्म ऑफ विटामिंस। नाउ हर एक विटामिन के एक दो फॉर्म होते हैं, कुछ फॉर्म जो है वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ फॉर्म जो है वो यू नो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते। तो डेफिनेटली फॉर्म ऑफ विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मल्टीविटामिन। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो विटामिन ए है वो है पाल्मिटेट फॉर्म में, विच इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। नाउ ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो कि इजीली अब्जॉर्ब होता है बॉडी में
एंड इट इज यूज्ड एफिशिएंटली बाय आवर बॉडी। इसी तरह से दोस्तों जो सारे विटामिंस है इसके अंदर, उसके फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म यूज किए हैं इसके अंदर। तो अब अगेन इट इज सिंथेटिक, बट दो अच्छी चीजें इसके अंदर जो मैंने अभी बताई है जिसकी वजह से आप इसको प्रेफर कर सकते हो ना। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि है ना हमें विटामिंस की क्या जरूरत है। डेफिनेटली हमें विटामिंस और मिनरल्स चाहिए दोस्तों, फिर वो आप फूड से लो, मल्टीविटामिन में से लो, लेकिन हमें बॉडी को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यू नो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल अगर मैं यू नो विटामिन B1 की बात करूँ, थायमिन, एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्चुअली अनेबल्स द बॉडी टू यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज एन एनर्जी। दैट मीन्स अगर हमने सिर्फ कार्ब्स खाए और अगर ये विटामिन नहीं है हमारी बॉडी में तो इट्स नॉट इनफ, राइट? हमें लग रहा है हमें कार्ब्स खा रहे हैं, हेल्दी कार्ब्स खा रहे हैं, हमें यू नो मसल ग्रोथ होगा, नहीं होगा, राइट? So that's the reason why vitamins is very important. Vitamin B1 is actually, you know, also plays an important role in glucose metabolism. It is also, you know, very important for our nerves, our heart, our muscle function. So इसी तरह हर एक vitamins और mineral का कुछ ना कुछ very important role body में होता है, जिसके वजह से ये necessary हो जाता है। So now the important question is कि Himalayan Organics whole food या Himalayan whole food? तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप हिमालयन ऑर्गेनिक्स का होल फूड ही मल्टीविटामिन को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे। यूनिवर्ट का भी अच्छा है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा एक दो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा है, तो उसके बेनिफिट है कि विटामिन के का जो फॉर्म है वो K2 फॉर्म में है। अगेन यू नो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, लेकिन प्राइस डिफरेंस भी है। यूनिवर्ट का जो होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन है वो जरा महंगा हो जाएगा कंपेयर टू हिमालयन ऑर्गेनिक्स, लेकिन अगर आपको सिंथेटिक लेना है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए कंज्यूम करना है, तो आप डेफिनेटली यूनिवर्ट का बेसिक मल्टीविटामिन को प्रेफर कीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो फॉर्म ऑफ विटामिन है, जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छे फॉर्म ऑफ विटामिन है उसके अंदर, इजीली अब्जॉर्बेबल फॉर्म में अवेलेबल है वो, और जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, इट इज़ इन नेचुरल फॉर्म इवन तो इट इज सिंथेटिक मल्टीविटामिन। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर चॉइस। और अगर आपने इनकेस हिमालयन ऑर्गेनिक्स का कोई सिंथेटिक मल्टीविटामिन परचेज किया है, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन, तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो गुड, इट्स नॉट बैड, बट कंपेयरिंग with the basic multivitamin from Univet, I would go with Univet. दोनों अच्छे हैं, but एक दो point जो Univet के basic multivitamin को ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वो जो sports multivitamin है synthetic form में है, but उसके अंदर कुछ extra ingredients है, तो अगर आप sports वगैरह करते हो, workout वगैरह करते हो, you know, high intensity workout करते हो, तो definitely उसके भी कुछ benefits है। तो make a smart choice, ऐसा कुछ नहीं है कोई खराब है, दोनों brands अच्छे हैं। So that's it for this video, friends. I hope ये video से कुछ help कर पाया मैं आपको, कुछ value create कर पाया मैं आपके लिए। और अगर आपका answer है yes, तो definitely do remember to subscribe to my channel. Comment box का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, comments, questions मुझे पूछिए, I will definitely try to answer all those questions जो मैं actually करता हूँ। तो comment box का इस्तेमाल करें, description box को check करें, और share कीजिए, like कीजिए इस video को, and take care of yourself. कुछ exercise घर पर ज़रूर करें. And this is for this video, friends. Over and out. Cheers. Bye.